हाय गाइस, वेलकम टू दयाल एकेडमी। अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हैं और सिक्स सेमेस्टर में हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि आप सिक्स सेमेस्टर बीए प्रोग्राम का सिलेबस कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप ये देखिए, जो बीए प्रोग्राम सिक्स सेमेस्टर का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो SOL की वेबसाइट पर ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। आप ये देखिए, इसमें जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं आपके सेम रहेंगे जो आपके पहले थे, और पेपर का जो टाइटल है वो अब मेंशन कर दिया गया है। देखिए, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, NHE, पॉलिटिकल साइंस एंड संस्कृत। तो ये है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। इसमें जो ऑप्शंस हैं, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड संस्कृत। और नेक्स्ट जो है जेनेरिक इलेक्टिव, इसमें मुझे पता है आपका जो सबसे बड़ा सवाल होने वाला है वो ये है कि आप कौन सा जेनेरिक इलेक्टिव चूज़ करेंगे। क्या आपका जेनेरिक इलेक्टिव डिसिप्लिन पेपर से अलग होना चाहिए या सेम भी हो सकता है। तो गाइस, सिलेबस दिखाने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि जिन्होंने चैनल पर जो वीडियोज़ लास्ट टाइम बनी थी फिफ्थ सेमेस्टर में, वो वीडियोज़ देखी हैं तो हमने डिस्कस किया था कि जनरली आपका जो जेनेरिक इलेक्टिव है आपके डिसिप्लिन पेपर से अलग होता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी हमें बताया है कि जो छात्र शिक्षक संवाद सेशन होता है उसमें भी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की के टीचर्स ने बोला है कि आपका जेनेरिक इलेक्टिव डिसिप्लिन पेपर से अलग होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि इस वीडियो पर काफ़ी रिस्पॉन्स आया था। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये बताया है कि फॉर एग्जांपल किसी के पास इंग्लिश एज अ डिसिप्लिन पेपर था और उन्होंने जेनेरिक इलेक्टिव में भी इंग्लिश चूज़ किया, उनको लगा था कि शायद उनका जेनेरिक इलेक्टिव अपने आप चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और उन्होंने एग्ज़ाम्स भी सक्सेसफुली दे दिए हैं। लेकिन वंस अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप जेनेरिक इलेक्टिव डिसिप्लिन पेपर से अलग रखें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और ख़ास करके इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, जिन स्टूडेंट्स के पास इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन पेपर है, तो गाइस जेनेरिक इलेक्टिव में जो इकोनॉमिक्स है उसका पेपर का टाइटल है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग जानते हैं जो इकोनॉमिक्स के डिसिप्लिन स्टूडेंट्स हैं कि ये पेपर आप ऑलरेडी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एनी हाउ अब बात करते हैं सिलेबस की। आपको क्या करना है, आप लॉग ऑन करें www.dayalacademy.com पर और मेन्यू में जाएं, वहां पर क्लिक करें स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद क्लिक करें बीए प्रोग्राम, क्योंकि इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स के सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं। अपना सेमेस्टर चूज करें, उसके बाद सिलेबस टैब पर क्लिक करें, इसका डायरेक्ट लिंक नीचे दिया जाएगा, डोंट वरी। और इसमें जो सिलेबस है वो कैटेगराइज किया गया है। पहले हम बात करते हैं डिसिप्लिन पेपर्स की। आपके जो दो डिसिप्लिन पेपर्स हैं उन्हें ढूंढिए और उनका सिलेबस डाउनलोड कीजिए। और बाय द वे, हम इसमें ये भी बात करने वाले हैं कि आपको अब पढ़ाई शुरू क्यों करनी चाहिए। हम ऑलरेडी एक पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका एकेडमिक सेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है। और गाइस, ये लास्ट चांस है आपके पास अगर आप अपना CGPA इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आप सोचिए इस बात को कि अगर रेगुलर स्टूडेंट्स जो सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली 3 महीनों में कवर करते हैं, आपको करना होता है 15 क्लासेस में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप उनके एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो करेंगे, जब रेगुलर स्टूडेंट्स पढ़ाई शुरू करते हैं, अगर आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो गाइस, जो इकोनॉमिक्स पेपर है डिसिप्लिन का, उसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया Part 2। एजुकेशन पेपर का नाम है एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। इंग्लिश पेपर का नाम है वर्ल्ड लिटरेचर्स। हिंदी पेपर का नाम है कोश विज्ञान, शब्दकोश और विश्वकोश। हिस्ट्री डिसिप्लिन पेपर का नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2nd। बाय द वे, आप इनको क्लिक करें, मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप डाउनलोड करें PDF और सेव कर लें। ओके
सिमिलरली अगर हम इंग्लिश का पेपर डाउनलोड करना चाहें, आई मीन सिलेबस, तो आप डाउनलोड पर क्लिक कीजिए और सिलेबस खुल जाएगा, आप इसे सेव कर सकते हैं। तो गाइज, मैं बताने वाला था मैथ स्टूडेंट्स के बारे में कि ऐसा लगता है उन्हें चॉइस दी गई है। दो पेपर्स हैं, पहले का नाम है न्यूमेरिकल मेथड्स, सेकंड का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ऐसा लगता है कि जो मैथ्स के डिसिप्लिन स्टूडेंट्स हैं उन्हें चॉइस दी गई है। NHE पेपर का टाइटल है एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्मॉल कैटरिंग यूनिट्स, और जो पॉलिटिकल साइंस का डिसिप्लिन पेपर है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। ये भी डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो ये है गाइस पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। और जिन्होंने संस्कृत एज अ डिसिप्लिन पेपर लिया है उनके पेपर का नाम है मैथमेटिकल ट्रेडिशन इन संस्कृत। तो ये तो होगी गाइस डिसिप्लिन पेपर की बात। अब हम चलते हैं स्किल इन्हांसमेंट पेपर और जनरल कलेक्टिव की बात करते हैं। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में जो ऑप्शंस हैं, जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो मैंने दिखा दिए हैं, उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग जो सिलेबस हैं यहाँ पर हमने अपलोड किए हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स चूज़ करते हैं इन स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, तो पेपर का नाम है बेसिक कंप्यूटेशनल टेक्निक्स फॉर डेटा एनालिसिस। अगर आप एजुकेशन चूज़ करते हैं तो पेपर का नाम होगा मीडिया इन एजुकेशन, इसे डाउनलोड करके देखते हैं। अगर एक बारी में डाउनलोड नहीं होता है गाइस, तो आप दोबारा क्लिक करें, ठीक है। आई एम श्योर कि आपके डाउनलोड फोल्डर्स में वो कहीं ना कहीं सेव ज़रूर हुआ होगा। तो ये है एजुकेशन स्किल इन्हांसमेंट कोर्स का सिलेबस। और अगर आप हिस्ट्री लेते हैं स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में, तो पेपर का नाम होगा रेडियो एंड सिनेमा इन इंडिया अ सोशल हिस्ट्री। अगर पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो पेपर का नाम होगा कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। अगर संस्कृत लेते हैं तो पेपर का नाम होगा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ज्योतिष। ये है गाइस स्किल इन्हांसमेंट पेपर्स। प्लीज अब बात करते हैं जेनेरिक इलेक्टिव पेपर की। इसमें ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि हो सके तो अपना जेनेरिक इलेक्टिव आपको डिसिप्लिन पेपर से अलग लेना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात हम कर चुके हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स का पेपर है, जो इकोनॉमिक्स के डिसिप्लिन स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, वे नहीं चूज कर सकते क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये पेपर थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। पेपर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर इंग्लिश लेते हैं तो पेपर का नाम होगा मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। हिंदी जनरल कलेक्टिव का नाम होगा हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। हिस्ट्री पेपर का नाम होगा दिल्ली थ्रू द एजेस। इसको डाउनलोड करके देखते हैं। जस्ट टू लेट यू नो कि आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है और जो PDF है आपकी स्क्रीन पर खोल जाना चाहिए, आप उसे सेव कर सकते हैं। और गाइस उसके बाद जो ऑप्शंस हैं, पॉलिटिकल साइंस पेपर का नाम होगा ह्यूमन राइट्स जेंडर एंड एनवायरनमेंट, और संस्कृत पेपर का नाम होगा पॉलिटिकल थॉट इन संस्कृत। और जिन स्टूडेंट्स ने कॉमर्स लेनी है एज अ जनरल कलेक्टिव, इस बार पेपर का नाम होगा बिजनेस मैनेजमेंट। और गाइस इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, उसमें 6 सेमेस्टर चूज़ करें, क्योंकि ये जो सिलेबस हमने यहाँ पे शो किए हैं, हर सिलेबस के एंड में सजेस्टेड रीडिंग्स, एडिशनल रीडिंग्स दिए होती हैं, ठीक है। तो हमने एक दो सब्जेक्ट्स की ऑलरेडी रीडिंग्स की कंपाइलेशन कर ली है, वो जल्दी यहाँ पे अपलोड की जाएगी। तो अगर आप वो सजेस्टेड रीडिंग्स एंड एडिशनल रीडिंग्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिले, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।